नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, भारत के अंदर प्रत्येक राज्यों के प्रत्येक जिले में आंगनवाड़ियों की भर्ती चलती रहती है और वर्तमान में यह भर्तियाँ चल रही है। आंगनवाड़ी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे इसका चयन प्रक्रिया होती है, सब कुछ बात करूंगा। आपको बोर्ड पर ध्यान देना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मिलती है वो एकदम सटीक और ईमानदारी के साथ मिलती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पागल बनाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, रियल जानकारी बहुत कम जो है दे रहे हैं। लेकिन आप सही चैनल पर विजिट कर रहे हो, अब आपको जो है जानकारी बिल्कुल सही प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ आंगनबाड़ी भर्ती 2022 के विषय की। महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर यहाँ पर प्रदान किया जाता है। इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे ऑफलाइन माध्यम से होंगे और अंतिम तिथि जो है 26 सितंबर रखी गई है, यानी कि फॉर्म अप्लाई चालू है। अब इसमें महिलाओं के लिए जो आयु सीमा रखी जाती है वो आपके जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 वर्ष से और 40 वर्ष तक है, एंड एससी एसटी विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए 21 वर्ष से और 45 वर्ष आयु सीमा है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि महिलाओं के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए एक आंगनवाड़ी में सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसमें ओनली 10वीं पास महिलाएं फॉर्म अप्लाई कर सकती है, ठीक है। चाहे 10वीं में आपके कितने भी परसेंट हो वो कोई फिक्स नहीं है। और एक और जानकारी दे देता हूं मैं आपके लिए कि विवाहित होना अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो ही फॉर्म अप्लाई कर सकती है, अविवाहित महिलाएं भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। एंड इसके लिए थोड़ा शर्त रखा गया है कि महिला जो है स्थायी निवासी होनी चाहिए वहाँ के राज्य की, वहाँ के जिले की, जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब आंगनवाड़ी के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगाने हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहली बात तो आपको 10वीं की अंक तालिका, 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है, क्योंकि 10वीं से ही इसकी शुरुआत है। उसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जहां से आप बिलोंग करते हो, जिस राज्य के, जिस जिले के, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एंड परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए। अब राशन कार्ड बीपीएल का हो तो और अच्छी बात है, राशन कार्ड में उस महिला का नाम अवश्य जुड़ा हुआ होना चाहिए जो एक आवेदन कर रही है। एंड महिला का आधार कार्ड, विधवा और तलाकशुदा प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि यह महिला विधवा है या फिर तलाकशुदा है। एंड कंप्यूटर का कोई कोर्स रखा है वो प्रमाण पत्र भी इसमें मांगा जाता है। बाकी आप किस कास्ट से बिलोंग करती हो, जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है। एंड राजस्थान की महिलाओं के लिए जन आधार कार्ड भी इसमें मांगा जाता है। और सबसे बड़ा इसमें जो शर्त रखी जाती है वह यह है कि आवेदन जो कर रही है महिला, उसके घर में जो है शौचालय का होना जरूरी है। तो इसका थोड़ा यह रूल है। इसके अलावा मैं बात करूं जो प्रश्न उभर कर आते हैं आवेदनकर्ताओं के, वो कहते हैं कि फॉर्म कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आपको इसके लिए यह काम करना है कि आपकी जो भी पंचायत समितियां लगती हैं, अब पंचायत समितियों का नाम अटल सेवा केंद्र रख दिया है, तो अटल सेवा केंद्र पर आप जाइएगा। वहाँ आपको जो ई मित्र वाला है वह जो है कंप्यूटर से फॉर्म आपको निकाल कर देगा। उस फॉर्म को संलग्न करना है आवश्यक दस्तावेज के साथ, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म जहाँ जमा कहाँ करवाना है यह भी जानना जरूरी है। तो आपको फॉर्म लेना है पंचायत समिति के अटल सेवा केंद्र से
और वहां फॉर्म आपको दे देंगे एंड आवश्यक दस्तावेज की प्रति आपको लगानी है। इन डॉक्यूमेंट्स को उस फॉर्म के साथ लगाना है एंड फॉर्म की जो है वर्कर के आपको कहां वो जमा करवाना है यह आपको बता दिया गया है कि पंचायत समिति के ही अंदर आपको जमा करवाना है, वहां से फिर आपकी प्रोसेसिंग वह चलती है। एंड चयन प्रक्रिया इसमें किस प्रकार होती है, तो दोस्तों इसमें जिलेवार चयन प्रक्रिया होती है। अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है प्रक्रियाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी कर्ताओं का यहां पर चयन होता है। और आपको जानकारी लेनी है चयन किस प्रकार होता है, तो इसके लिए एक काम करना होगा आपको, कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता कलेक्ट्रेट परिसर जाना होगा, वहां आपको और अच्छे से जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। एंड एक जानकारी मैं आपके लिए दे देता हूं कि जिन ग्राम पंचायतों के कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या का 50% से ज्यादा जो है एससी एसटी ओबीसी है, वहाँ की महिलाओं को जो है चयन प्रक्रिया में सरलता बढ़ती जाएगी, यानी कि वहाँ की महिलाओं का चयन जल्दी होगा। एंड वर्तमान में यह भर्ती कहाँ चल रही है, तो राजस्थान राज्य के आप हो, राजस्थान के बारे में आंगनबाड़ी भर्ती के रिलेटेड आपको जानना है तो आप इस चैनल के अलावा राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाइए, उसको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर मैंने राजस्थान के अंदर कौन से जिले में भर्ती चल रही है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, वह सब कुछ दिया गया है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राजस्थान के जितने भी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो उस चैनल पर विजिट करिएगा, क्योंकि राजस्थान के बारे में सब कुछ ए टू जेड अपडेट वहां पर उपलब्ध होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए वहाँ पर जो है नई नई कवरेज दी जाती है, ठीक है। बाकी आपको और डिटेल से जानी है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप अच्छे से वहां पढ़ लेना। तो यह जानकारी आपके लिए देना जरूरी है, बाकी आप खुद समझदार हो, अच्छे से आप और देख सकते हो, सोशल मीडिया पर सब कुछ बताया जाता है। तो आंगनबाड़ी भर्ती 2022 के बारे में यह आपको नया अपडेट हमारे द्वारा दिया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।